हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से। वेलकम टू जबी की जहां। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ। इसका नाम है जीरा पुलाव। मैंने एक पैन गैस में चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। और मैं घी डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 इंच दालचीनी लिया है, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग। अब मैं इसमें शाही जीरा डाल रही हूँ और इससे अच्छे से मिला देंगे। और ध्यान रहे, हमारा गैस का फ्लेम कम रहेगा। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गोविंदभोग चावल लिया और अच्छे से धो के सुखा लिया है। यहाँ मैं 2 बॉल पानी डाल रही हूँ। आप जितना चावल लेंगे उसका डबल पानी डालें। और स्वाद अनुसार नमक। और लीड कवर कर दे। जब तक पानी अच्छे से उबल जाए, तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसमें सारे चावल डाल दूंगी। ध्यान रहे, जैसे ही चावल डाले उसे चम्मच से मिला दें, नहीं तो चावल आपस में मिल जाएंगे। ये गोविंदभोग चावल है, ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये आपस में ना जुड़े। और लीड कवर कर दें। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और इसे बार बार चेक करते रहूंगी। अब आप देख सकते हो कि हमारा चावल 80% तक पक चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, जो कि काजू, किशमिश, बादाम, और इसे हम मिला देंगे। हमारा चावल 80% तक पक चुका है। अब हम इसे 20% स्टीम में पकाएंगे। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक स्टीम करूंगी। दस मिनट स्टीम करने के बाद आप देख सकते हो ये कैसा बना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लजीज लग रहा है खाने में, ये बहुत ही अच्छा। मैंने कुछ फ्राइड ऑनियन रखे थे, इससे मैं इसका गार्निशिंग कर दूंगी। इसे आप चिकन, मटन, पनीर सभी के साथ ले सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक सिंपल रेसिपी, आपने तो जीरा राइस बहुत खाया, एक बार जीरा पुलाव भी ट्राई करके देखिए। कैसी लगी आप लोगों को जीरा पुलाव की रेसिपी? ये आप बनाइए और सभी को खिलाइए। ये चिकन, मटन, पनीर सभी के साथ जाती है और खाने में इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। तो इसे घर में बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।